टोल आ गए हैं हम लोग। टोल प्लाजा हर जगह इस टाइम ना बहुत रश होता है भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग उठ गए थे, माने मैं उठी थी थोड़ा लेट आज 8 बजे, चाय वगैरह पी ली हूँ। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन हम लोग थोड़े से परेशान हैं कल से ही। कल का यदि ब्लॉग मैंने देखा होगा आपने, तो रेलवे स्टेशन जाते वक्त हम लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ट्रेन भी छोड़नी पड़ी और वापस घर आना पड़ा। तो देख लीजिएगा जाके उसमें क्या हुआ हमारे साथ। तो मोबाइल वगैरह, मोबाइल चोरी हो गई हमारी, और उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। इनके ऑफिस के भी एक नंबर था जो कंपनी का होता है, उसमें बहुत सारा मेल वेल, तो वो सब रात में भी लगे रहे वो लोग, और अभी भी सुबह उठ के वही कर रहे हैं। और अभी जाएंगे एयरटेल के लेआउट पे, तो जाके बंद वगैरह करना होगा, मैंने डुप्लीकेट सिम के लिए अप्लाई करना होगा। एक मोबाइल भी लेना होगा उन्हें, क्योंकि बिना मोबाइल के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही सब हो रहा है सुबह सुबह, और जो है चाय वगैरह पी लिए हैं हम लोग, रात देर तक जगी रही ना, तो अभी भी आवाज़ ऐसी हो रही है। और अभी पूरा सारा अनपैक करना है, बैग वगैरह सारा सामान जहाँ वहाँ से लेके जाते वक्त तो ऐसे हो जाता ना, अफड़ा तफड़ी, कहीं भी फेंक दो, कहीं भी ये कर दो निकाल के। अब सब कुछ फिर से सेट करना होगा। और अभी किचन में हूँ, देख रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि सोच रही थी कि अब एक हफ्ते के बाद ही आऊँगी, तो पता है सब्ज़ी वगैरह भी सब ऐसी नहीं लेके आई थी कि क्या करूँगी लेके, ख़राब ही हो जाएगा। तो अब फिर से वही रूटीन में, तो देखिए क्या कर रही हूँ मैं किचन में, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, थोड़े से मैं स्प्राउट कर ली थी मैं रात में कि थोड़ा बहुत नाश्ते का हो जाएगा। ये स्प्राउट धो के निकाल रही हूँ, इसमें प्याज टमाटर नींबू वगैरह मिला के दे दूँगी नाश्ते में। दिन में दाल चावल ही बना लूँगी, दाल है और यही सोच रखी हूँ कि दाल चावल बना लूँगी, क्योंकि रहेंगे आज घर में। यही कर रही हूँ अभी और मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। देखिए काट ली हूँ मैं इसमें प्याज और ये टमाटर और ये नींबू। हरी मिर्च नहीं डालूंगी, उसको बेटा फिर खाएगा नहीं, तो हेल्दी होता है ना स्प्राउट लेना चाहिए। और इसमें पता है मैं साबुत मूंग, तो काले चने और मूंगफली और बादाम भी डाल सकते हैं थोड़े से, सुबह सुबह लीजिए, बहुत हेल्दी होता है। तो मैं तो खाली मूंगफली और काले चने और मूंग, काला चना थोड़ा सा कम और मूंग थोड़ा ज़्यादा और ये काला नमक, कल ज़्यादा हो जाए। फिर मैं नहा वहा के पूजा वूजा करके, क्योंकि आज मैं ही करूँगी, इन्हें नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि परेशान है थोड़े से, पेट में जाएगा तो थोड़ी एनर्जी आएगी। मिलती हूँ मैं आप लोग से। करने जा रही हैं आज, कहाँ जा रही हैं भाई? कल का तो हो गया कांड, तो मन नहीं लग रहा है घर में, तो कह के चलिए बेटे के पास हो रहा है। फिर कोशिश कर रहे हैं कहीं जाने की? नहीं नहीं, भैया के पास जा रहे हैं, तो अभी फोन भी नहीं इनके पास, जब तक मोबाइल नहीं आएगा ऑफिस नहीं जा पाएंगे। दो दिन का टाइम है तो वो आते हैं भैया भाभी के पास, थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये जा रहा है छोटा वाला जा रहा। तो चलिए फिर चलते हैं फरीदाबाद, है ना, वहाँ गाड़ी चाहती है। देखिए नहीं, सच में बहुत बुरा हुआ और हम लोग का मूड इतना खराब हुआ पड़ा है ना, बस
हाँ, फोन बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से हुआ पूरा शादी में जाने का प्रोग्राम था और बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। सब वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा उसके कारण परेशानी हो रही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये वाला फरीदाबाद ही होके आते हैं मिलके बेटे बहू से। दीदी वाला रख लिया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ वो सब तो वही में रख ली हूँ जो पहले का। सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट इसके बाद अब दिखेगा, ये जो हटेगा ना, ये देखिए। तो ये अब कैप्चर हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग लग रहा है जैसे विदेश में है। अब दिल्ली की ट्रैफिक का हम लोग सरता बिहार। ये देखिए पूरा घिसट रहे हैं हम लोग आधे घंटे से, एकदम बिल्कुल हम लोग पीक आवर में फंस गए ना। चले चले थोड़ी थोड़ी अब यहाँ पेट्रोल पंप पे गाड़ी बाहर निकले और पेट्रोल पंप पे ना आए हो नहीं सकता, है ना। नहीं पेट्रोल पंप पे गाड़ी ना आए हो नहीं सकता, गाड़ी बाहर निकले तो थक गया क्या कर सकते हैं। सही बात, इतनी ट्रैफिक आह दिल्ली में आते ही। हेलो, लेट हो गया ना, तो जल्दी निकलते पिक आवर में फंस गए। तो ला गए ये हम लोग, हर जगह इस टाइम ना बहुत ज्यादा सूट है भाई। फरीदाबाद वाला सराय सराय हो गया, पहुंच गई हूँ आके बेटे के पास। और बहुत ट्रैफिक था, इतना ज्यादा परेशान हो गए हम लोग। और दो ढाई कितने ढाई घंटे लग गए ना हम लोग को, दो घंटे तो ऊपर ही लग गया। और आगे चलते लेट, थोड़ा जल्दी निकलते तो पहुंच ही जाते। सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखिए भोजन स्टार्ट हो गया इनका। फोन भी ऑर्डर आ चुका है, तो खाना आ गया है। सब खाने में क्या क्या है भाई दिखाओ। रोटी, सेवई, आलू परवल की सब्जी, भिंडी की भुजिया, चाप। वाह वाह, इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बना ली। और फोन का भी ऑर्डर हो गया, कौन सा फोन ऑर्डर हुआ है भाई? वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कौन सा फोन ऑर्डर किया गया है, अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ सही बात है, और आप रिव्यू भी देंगे। सही है, लेटेस्ट फोन है। और आप दो दिन बिना फोन के रेस्ट कीजिए, बाकी लैपटॉप लेके आए हैं तो लैपटॉप में अपना यूज करेंगे। लेट हो गया हम लोग को ज्यादा, बस जल्दी निकलने वाले थे 4:30 में, लेकिन कह रहे हैं कि लेट करते करते थोड़ी तबीयत ऐसी, कल से है ना इतना सारा। दो घंटा तो लगता ही है ट्रैफिक। आप पीक आवर में हम लोग निकले तो
शुरुआत में तो ठीक लगा कि हल्का हल्का है, उसके बाद फिर से हुआ। क्या बोलना है? देखिए अब स्वीट डिश भी आ गया है मीठा। तो आज चूंकि हम लोग के यहाँ शादी है ना, तो हम लोग पहुँच नहीं पाए, तो कहीं मिठाई तो बनता है ना, इसलिए क्या है ना, सही बात। और ये अपने पसंद का मिठाई लेके आया है, लड्डू मेरे ही पसंद का है दोनों। ये छेना टॉस मेरे पसंद का है। अच्छा बोलिए, क्या बोले? कल मिलेंगी आप लोग से, आज कह रही है पसीने पसीने हो रखी हूँ मैं तो, कोई बात नहीं, चलिए। तो वही तो बोल रहा हूँ, दोनों में बहस हो रही है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ए पापा को कलाकंद पसंद है, तो पापा को पसंद का एक ले लेता ना। हाँ चले लीजिए मीठा, ओके चले ठीक है, एंजॉय कीजिए। तो देखिए मेरा खाना आ गया है और मैं अब खाना खाऊंगी, और अभी मेरी अंदर में बेड वगैरह लगा रहा है बच्चे लोग, क्योंकि अभी एक ही कमरे में एसी है तो सबको एक ही कमरे में सोएंगे, और इसके पापा खाली अलग सोएंगे, उसका उनका व्यवस्था हो गया है। आज के ब्लॉग में मैं बस आज क्लोज कर रही हूँ अपना ब्लॉग, और कल फिर से बढ़िया से दिखाऊंगी, अपनी बहू रानी को भी दिखाऊंगी और पूरा घर दिखाऊंगी बेटे का, और दिन भर देखिए क्या करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।